हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में। और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी एनालिसिस हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए, जो कि हमारा डेली एडिशन का होता है। आज है 12 मार्च 2019। तो चलिए देखते हैं आज के जो एडिटोरियल पेज है इनकी करंट अफेयर्स। और जो लास्ट डे क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो वुमेन्स डे था, इसकी जो थीम पूछी गई थी वह यह है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 पर समान सोचे, यानी कि सभी की सोच समाज समान रहे, ठीक है, स्मार्ट बनाए, बदलाव के लिए नया करें, यानी कि बदलाव करने के लिए कुछ नया करना होगा, स्मार्ट बनना होगा हमें, और सबके लिए समान सोच रखनी होगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लगता है कि बराबर, स्मार्ट निर्माण, बदलाव के लिए कुछ नया, यह इसकी एक सब्जेक्ट था या थीम थी, ठीक है। तो इसको याद रखें, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। और जो आज का क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। और कल वीडियो नहीं आ पाया तो थोड़ा गला बैठा हुआ था, आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्लीज कोऑपरेट किया कीजिएगा इस लेक्चर में, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। और आज का जो क्वेश्चन है वह देख लेते हैं, अल नागा थ्री, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था 2019। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, सऊदी अरब, ओमान। तो आपको कमेंट में आंसर बताना है क्या है, फिर इसको कल आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से हम डेली एक एक दो दो क्वेश्चन करके डिस्कस करते रहेंगे डेली एनालिसिस के, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए चलते हैं एडिटोरियल पेजेस की तरफ, जिसमें हमारी जो पहली न्यूज है यह वाली, यहाँ पर जो अभी राम मंदिर बन रहा है या फिर जो अयोध्या मामला है, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया था कि 3 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, जिसमें कि मध्यस्थता यानी बीच वाला रास्ता निकाला जाएगा, तो उसमें अभी भी संदेह बना हुआ है, अभी भी यहाँ पर कोई ना कोई विवाद टाइप का यहाँ पर दिख रहा है। तो उसको देखेंगे कि किस तरह से विवाद टाइप की चीजें यहाँ पर बनी हुई है, किस तरह से संदेह बना हुआ है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड यह मामला। इसके बाद यह वाला आर्टिकल और यहाँ पर ग्राफ देखेंगे, तो इलेक्शन डेट आ चुकी है कि अप्रैल मई में इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें किस तरह से चीजें होने वाली हैं, किस तरह से चीजें की जा रही हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये दोनों, तो इन दोनों को साथ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ यह वाला जो हमारे स्वदेशी यानी कि हमारे इंडिया में निर्मित होते हैं जो लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं, उनको सही टाइम पे फोर्स में भर्ती करने की बात कही जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर बात की जा रही कि किस तरह से दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं अपने घर की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए किस तरह से हेर फेर करती रहती हैं, जो भी इनकी योजनाएं रहती हैं या जो भी पॉलिसी वगैरह रहती हैं उनमें, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यह भी, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ बात की जा रही है किस तरह से अमेरिका का रवैया रहता है यहाँ पर सुरक्षा से लेकर, यानी कि देखिए ये एक कंपनी है चाइना की, हवाई नाम है इसका, तो यह किस तरह से आर्टिकल या फिर जो अपना पर्सनल जो चीजें होती हैं उसको जो डाटा होता है उस पर निगरानी रखने की बात कही जाती है, और दूसरे देशों द्वारा जैसे जर्मनी वगैरह होगा उनके द्वारा इस कंपनी को सपोर्ट किया जा रहा है, तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल यह भी बनता है, तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस आर्टिकल को यहीं डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बहनों की कहानियां बताई जा रही हैं, किस तरह से वो है? जब इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया आजाद हुआ तो पाकिस्तान भी साथ में आजाद हुआ, 2 देश बन गए उस टाइम पे, तो कुछ लोग इंडिया में रह गए, उसके बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, तो एक बहन तो इंडिया में रह गई, एक पाकिस्तान चली गई यहाँ पर, तो यह अलग अलग हो गई उस टाइम पे। अब उस टाइम पे फोन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जैसे ही फोन वगैरह की व्यवस्था शुरू हुई तो यह एक दूसरे को फोन वगैरह करके बात करने लग गई। अब बात क्या होती है कि जैसे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही, अभी पुलवामा अटैक हुआ तो वहां से लिंक कनेक्ट की जा रही है, तो जैसे ही यह अब बात करती है फोन पे तो इनके पड़ोसी जैसे इंडिया में है, तो इंडिया के इनके पड़ोसी इंडिया में यह कहते हैं कि आप इनको फोन मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है कोई आतंकवादी गतिविधियां चल रही हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो जाए, तो इस वजह से इनने फोन लगाना बंद कर दिया। उस तरफ से भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो आपस में इनका कनेक्शन कट गया, क्योंकि इनके एक बेटे भी थे जो सरकारी नौकरी करते थे, तो उनका भी एक तरीके से रहा कि इनको सरकारी नौकरी में परेशानी आएगी अगर एक दूसरे को फोन आएंगे, तो किस तरह से एक जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, किस तरह से इस तरह की जो फैमिली है इनको परेशानी हो रही है आज के समय दूसरे से बात करने में, तो वह बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इनको रोकने की जरूरत है, क्योंकि यह जो आम आदमी है इनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, भले ये एक दूसरे से दूर है लेकिन एक दूसरे से और भी दूर कर दिया गया है आज के समय में, तो आप देख सकते हैं।
यह भी आर्टिकल भी पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन चल रहे हैं, जो डिप्लोमेसी है, उनकी बात की जा रही है, किस तरह से अग्रेसिव डिप्लोमेसी है। तो इस आर्टिकल को हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में भी टाइम लगता है, तो लेट हो जाता है। कल आर्टिकल कम भी आते हैं तो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछा गया तो उसका आंसर कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, आप देखेंगे मंदी से कैसे बचना है। तो आज के समय में जो बाजार में मंदी आ जाती है, या फिर अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, दुनिया भर में लोग कैसे इन सबसे चीज़ों से बचते हैं, दुनिया भर के देश। केंद्रीय बैंक प्रतीत होता है कि समन्वित बोली में अपनी नीतियों की दिशा को उलट रहे हैं। देखिए, इंडिया का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक, जिसे हम बोलते हैं आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक हो गया हमारा इंडिया का, ठीक है, भारतीय केंद्रीय बैंक, ठीक है। इसी तरह से अमेरिका का फेडरल बैंक है, इस तरह से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक है। तो वह अपनी बैंक को यानी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो नीतियों की दिशा को उलट फेर करते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, ये चेयरमैन कौन है यहाँ पर, जेरोम पॉवेल ने आशंका जताते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद जारी रहेगा। क्या जारी रहेगा वह देखेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई लोग धीमी अर्थव्यवस्था और मुद्रा स्फीति के 2% के आधिकारिक लक्ष्य से काफी नीचे रहने के बावजूद फेड की दरों को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इनका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2% से आधिकारिक लक्ष्य से काफी नीचे है इनके लक्ष्य से, ठीक है। तो इसको बरकरार रखने के लिए जो दरें हैं, ब्याज दरें हैं, उसको बढ़ाया जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण बताया गया है इनके लिए, ठीक है। साथ ही वास्तव में कई लोगों ने तर्क क्या दिया है, अमेरिका विकास और मंदी की मुद्रा स्फीति की संख्या में कमी के पीछे। मुद्रा स्फीति क्या होती है, बैंक दूसरे बैंकों को, जैसे जो केंद्र का बैंक है, छोटे बैंकों को क्या देगा, पैसे ऋण पर देगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लें, आरबीआई है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वह किसको देगा, एसबीआई को पैसे देगा ऋण पे। तो अब एसबीआई इसको वापस देगा तो कुछ ब्याज लगेगा ना इसको, उसको हम मुद्रास्फीति बोल देते हैं। इस संख्या में कमी के पीछे क्रमिक लेकिन लगातार वृद्धि दर हो सकती है, क्रमिक लेकिन जो वृद्धि दर हो रही है वह हो सकती है कुछ ना कुछ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने फरवरी में महज 20,000 नौकरियों का सृजन किया, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 20,000 नौकरियां यहां पर आई, एक साल में अच्छी तरह से नौकरियों में से सबसे धीमी वृद्धि है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक महीने में, अगर फरवरी के लगा दें 20,000 आ रही है, तो 12 महीने में कितनी हो जाएंगी, 1,40,000 समथिंग हो जाएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए, ठीक है, 2 लाख हो जाएंगी, 2,40,000 समथिंग जो भी हो रहा है यहाँ पर। तो 2,40,000-2.5 लाख नौकरियां यहाँ पर अगर हो भी रही हैं साल भर में, तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। तो यह देख सकते हैं कि इस महीने की सबसे कम नौकरियां हैं यहाँ पर साल भर की, जो थोड़ी थोड़ी लैपटॉप अपडेट वगैरह हुआ है तो प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे धीमी वृद्धि है इस महीने की, तिमाहियों में देखा जाए और आने वाली जो तिमाहियों में जीडीपी की वृद्धि पिछले साल की तीसरी तिमाही की 3.4% की धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कितनी धीमी गति से यहाँ पर जो तिमाही है जीडीपी वगैरह बढ़ रही है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो दरें वगैरह हैं इनको काफी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रविवार को श्री पॉवेल ने वर्तमान ब्याज दर के स्तर को उचित कहा और नोट किया कि फेड दरों को आगे बढ़ाने के लिए कोई जल्दी महसूस नहीं करता है। तो देख सकता है जैसे जो फेड रिजर्व बैंक होता है, वो दुनिया भर को यहाँ पर ब्याज पे पैसे वगैरह मिलते हैं यहाँ से, तो अगर कीमतों को बढ़ाया जाता है तो उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो जाती है, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा अमेरिका की बात ही नहीं है, काफी और भी सारे देश है जो ये सब करते हुए नजर आएंगे, अभी हम देखेंगे इसके लिए। फेड अध्यक्ष की टिप्पणी, अमेरिकी शेयरों में ऐतिहासिक बुल बाजार की 10वीं वर्षगांठ के आसपास आती है, जो मंदी से लड़ने के लिए नीतिगत दरों में क्रामिक आक्रामक रूप से कटौती के बाद मार्च 2009 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर फेड की बात की जा रही है, कब से कैसे कैसे यहाँ पर चीजें बढ़ी, 2009 से कैसे कैसे यह चीजें शुरू हुई। यह पिछले साल के बाद से श्री पॉवेल की घिनौनी नीति के रुख से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। तो देख सकते हैं जो नीति थी उसमें एक तरीके का घिनौना बदलाव यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी यह केवल फेड नहीं है जिसने अल्पकालिक ब्याज दरों
क्रमिक कटाई के माध्यम से मुद्रा नीति के सामान्यीकरण को ब्रेक लगा दिया है। तो यह एक फेडरल अमेरिका का एक जो बैंक है यह नहीं है, ऐसे और भी हैं, जैसे देखेंगे यूरोपीय यूरोप हो गया या एशिया में आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है। ठीक है, केंद्रीय बैंकों को और अधिक तेजी से लाने के लिए जल्दी किया जा रहा है। तो देख सकते हैं हर जगह पर स्थिति बिगड़ रही है, तो वह भी यही उपाय अपनाएंगे। ठीक है, जो भी जल्दी से आएंगे। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष मारियो ड्रेगी ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि यूरोप में दरें अगले साल तक कम रखी जाएंगी। अगले साल तक तो कम रखी जाएंगी, इनने घोषणा की है, और यूरोपीय बैंकों को सस्ते में कर्ज देने की पेशकश की। तो इनने एक अच्छा स्टेप लिया यहाँ पर। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने विकास में गिरावट को रोकने के लिए और अधिक मौद्रिक प्रोत्साहन उपायों का वादा किया, और भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर दिया है, क्योंकि विकास ने इस चुनाव में प्रत्येक तिमाही में आम चुनाव से पहले धीमा कर दिया है। तो देखिए विकास, अभी जो विकास दर है वह धीमी हो रही है, तो दरें वगैरह है उसमें कटौती हो रही है। तो इन सभी जगह पर यह सब चल रहा है, ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था को स्ट्रोंग रखा जा सके, क्योंकि इंडिया में चुनाव भी आने वाले हैं। तो हमने यूरोप देखा, चाइना देखा, हर जगह यही सब चल रहा है। इस प्रकार अब तक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक वैश्विक विकास मंदी से बचने के लिए समन्वित प्रयास के रूप में अपनी नीतियों की दिशा को उलट रहे हैं। तो जो नीतियां अपनाई गई हैं विकास दर को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्हें बदला जा रहा है, तो यह निश्चित ही है, क्योंकि सभी अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए यही सब कर रहे हैं। फेड द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए लागू ब्रेक अन्य केंद्रीय बैंकों को अपनी नीतिगत दरों को कम करने और इस डर के बिना वृद्धि को बढ़ावा देने की अनुमति देते हैं, और विघटनकारी पूंजी प्रवाह उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर कहर बरपा सकता है। तो देखिए, अगर अमेरिका के बैंक को अगर कुछ करता ही है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। तो वही बात की जाती है, अगर यह अपनी नीति को बदलता है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर यह कहर बरपा सकता है। हालांकि इस तरह की समन्वित मौद्रिक नीति निश्चित रूप से मंदी को रोक सकती है। यह कम ब्याज दरों में की विस्तारित अवधि के जोखिम को और अधिक विनाशकारी बुलबुले की ओर ले जा सकते। तो देखिए, अगर यह इस तरह का फैसला लेते हैं, ब्याज जो भी दरें वगैरह हैं इनको हेर फेर करते हैं, तो इनकी चलो खुद की अर्थव्यवस्था की मंदी तो कम हो जाएगी, लेकिन दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है इन पर जोखिम पड़ेगा, तो वह बात की जा रही है। तो वह भी, और अगर किसी भी दूसरे देश पर या दूसरे देशों पर यहाँ पर असर पड़ता है, तो वह भी यहाँ पर अपना बचाव का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे ही, जो कि दुनिया भर में फिर से चीजें बदल देगा। तो यह था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। चलेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है अंतरराष्ट्रीय लेवल से बात की जा रही है, हवाई बहस। हवाई जो यह कंपनी है इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आर्टिकल देखेंगे। तो यह एक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, एक चीनी बहुराष्ट्रीय दूरसंचार उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता, जिसका मुख्यालय कहाँ है, सिंजोन यहाँ पर है। देखिए मुख्यालय कहाँ है, सेंजेन चीन में है। सीईओ कौन है, रेन झेंग फेई, ठीक है, 1988। इसको स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है, ठीक है, संस्थापक रेन झेंग फेई हैं, ठीक है। यह मूल संगठन हवाई निवेश और होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। तो दुनिया भर की दून संचार वगैरह की जो प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इसका, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, यह इंपॉर्टेंट है। हवाई राजस्व के हिसाब से दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है। सूचना वगैरह इसके द्वारा यहाँ पर प्रौद्योगिकी कंपनी वगैरह है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन, जैसे कि हमारे यहाँ एयरटेल, आइडिया, जियो वगैरह हो गए, तो इस तरह की यह कंपनियां हैं जो कि दुनिया भर में चलती है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर आया है। यूके और जर्मनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित जोखिमों को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए इस पर अंतर होता है। तो देखिए सुरक्षा की बात आती है, अगर देखिए डाटा आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हथियार की तरह वो यूज किया जा रहा है। जैसे कि अमेरिका में चुनाव हुए और यूरोप में चुनाव हुए थे, ब्रेक्जिट हुआ था, तो इस टाइम पे कहा जाता था कि डाटा का उपयोग करके यहाँ पर हेर फेर किया गया है चुनावों में, ठीक है। तो डाटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ऐसी कंपनियां होती हैं जो इनके पास डाटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यूके की बात की जाए या फिर जर्मनी की, तो यह राष्ट्र है जो देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संभावित जो जोखिम वगैरह इनको स्वीकार करते हैं, ठीक है, कि जोखिम होते हैं और इन्हें स्वीकार करना होगा इनका, लेकिन इनका जो प्रबंधन है कैसे किया जाए। अब देखिए डाटा किसी के पास है तो इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर अलग अलग विचार किया जाता है, इसमें अंतर होता है। अब आप यहाँ पर आर्टिकल को समझने की कोशिश करें, ठीक है।
5G मोबाइल नेटवर्क बाजारों से चीनी दूरसंचार फर्म हवाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए खिलाफ यूरोप का जोर अमेरिका के रुख के विपरीत है। यानी कि अगर अमेरिका यहाँ पर कहता है कि इस पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन यूरोप का रुख कुछ और है, यह ऐसा नहीं सोचता। वॉशिंगटन ने लंबे समय से जासूसी और साइबर तोड़फोड़ के दूरसंचार उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता पर शक किया है। ठीक है, तो अमेरिका है जो इसको शक है कि ये जो कंपनियां हैं, जो साइबर तरीके से, जो साइबर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये जासूसी वगैरह करती हैं हमारे देशों की साइबर तरीके से, यहाँ पर जो कि एक तरीके से इसको उपकरण किया जा रहा है, उपकरण सूचना जो दूरसंचार उपकरण है इसका उपयोग करके यहाँ पर हमारी यहाँ की खुफिया जानकारी वगैरह निकाली जा रही है। तो देख सकते हैं दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी कंपनी है उस पर एक तरीके से शक किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। इन चिंताओं को इस धारणा में निहित किया गया है कि चीनी राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं बड़ी सब्सिडी प्राप्त करने वाली नियमित रूप से सरकार को संवेदनशील जानकारी पारित करती है। यानी कि देखिए इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा आता है, बहुत सारी जानकारी आती है, तो यह चीनी सरकार को यहाँ पर जो चाइना है उसको यह जानकारी देती है, जो कि खुफिया जानकारी है, जिससे कि दूसरे देशों की जो सुरक्षा है उस पर खतरा बनता है। ठीक है, अब इस पर संदेह कब आता है, क्यों आता है? क्योंकि कहा जाता है ये जो कंपनियां हैं जो जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है वह आर्मी में थे पहले चाइना की, फिर उनके द्वारा कंपनी शुरू की गई, तो यह बात कही जाती है, इसलिए इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह सब चीजें की जा रही है। इसको बल कब मिल रहा है, 2017 में जब बात यह निकल के कब आई, यह देख लेते हैं। राष्ट्रीय खुफिया कानून बनाया गया बनाया और नागरिकों और संगठनों ने राष्ट्रीय खुफिया गतिविधियों में सहयोग करने की आवश्यकता हुई, यह 2017 से चीजें यहाँ पर शुरू हुई। हवाई एक निजी तौर पर सूचीबद्ध फर्म है, लेकिन संदेह है कि यह अभी भी संदेशशील डेटा तक पहुंचता है। ये संदेह इस तथ्य से उपजा है कि हवाई के संस्थापक सेना में थे। तो देख सकते हैं सूचीबद्ध तो फर्म है, रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी इस पर संदेह बनता है कि ये डाटा वगैरह चुराते हैं और इसका सर चाइना को ये भेजते हैं, क्योंकि इसके संस्थापक कौन है, सेना में रह चुके हैं। कंपनी के यूएस टैग स्टार्टअप को खुद को विभाजित करने के लिए मजबूर करने के बाद 2011 में अपने डिप्टी चेयरमैन के एक खुले पत्र का उद्देश्य एक इमेज मेकओवर था, लेकिन अगले चार हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने सिफारिश की कि हवाई को भविष्य के विलय और अधिग्रहण से रोक दिया जाए। यानी कि यह अलग होने की बात की जा रही, विभाजित होने की बात की जा रही थी 2011 में जो स्टार्टअप था इसमें, ठीक है, लेकिन इसको अभी कहा गया है कि इसका जो विलय हो रहा है या विभाजित हो रहा है इसको रोक दिया जाए। 2014 में वर्गीकृत दस्तावेजों से पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बात के लिंक का पता लगाने के लिए हवाई में हैकिंग कर रही है। तो इसकी जो लिंक वगैरह है, जो भी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी वगैरह इनकी, इसका हवा हैकिंग वगैरह करके इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से डाटा है जो महत्वपूर्ण रहता है और उसको किस तरह से लोगों के द्वारा यहाँ पर गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। उन खुलासों के महीने के भीतर अमेरिका ने 5 चीनी सेना के अधिकारियों पर अमेरिकी संस्थानों से व्यापार रहस्य चोरी करने का आरोप लगाया। तो देख सकते हैं यह आरोप लगाया गया अमेरिका के द्वारा कि इनके द्वारा यहाँ पर डाटा चुराया गया। अगले वर्ष चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साइबर वाणिज्यिक जासूसी को रोकने के लिए अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो चाइना के द्वारा अच्छा स्टेप लिया गया कि अगर कोई भी साइबर चोरी वगैरह होती है तो इस पर ने समझौता किया और हस्ताक्षर किए। अब देखिए चल रहे झगड़े में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सूट का पालन करने के लिए 5 आईज इंटेलिजेंस साझाकरण नेटवर्क में 5G रोल आउट और कैनवस सहयोगी में हवाई की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया है। देख सकते हैं इन चीजों में इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। हवाई ने वित्त मुख में वानझो कनाडा सरकार द्वारा उनकी नजरबंदी को चुनौती दे रहे और हवाई के कथित ईरानी प्रतिबंधों के लिए अमेरिका के प्रत्यावरण का सामना कर रहा है। तो देख सकता है कि किस तरह से हवाई पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, कनाडा या फिर ईरान वगैरह इन जगह पर। तो एक तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अभी भी इस पर संदेह बना हुआ है। फरवरी में अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने म्यूनिख में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिम की सुरक्षा को टेलीकॉम फर्म के तिरछे संदर्भ में पूर्व पर निर्धारित की गारंटी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, देखिए अगर पूर्व में कुछ हो रहा है और इसके द्वारा का कुछ किया जा रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है।
पूर्व में मतलब जो अमेरिका वगैरह हो गया, फिर यूरोप वगैरह हो गया, इन देशों की बात की जा रही है। ब्रिटेन और जर्मनी के अधिकारियों ने हवाई से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम को स्वीकार किया है। तो देखिए जोखिम वगैरह इन पर हैं जो इनको स्वीकार किया, लेकिन इनकी प्रतिक्रिया इस खतरे में है कि खतरे को कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब देखिए अगर आप इन पर बैन लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो यूरोपियन देश हैं ये कुछ और सोचते हैं कि इसको किस तरह से इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापक व्यापार और राजनयिक संबंधों में तथ्यहीन है। क्योंकि देखिए अगर प्रतिबंध लगाते हैं तो चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की, तो इसके साथ बहुत बड़ा व्यापार चलता है, तो यहाँ पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीजें करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो अब देखते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी का समर्थन किया है। साथ ही MI6 हवाई पर अमेरिकी सावधानी के लिए कुछ वजन संग्रह करने के लिए लगता है, लेकिन ब्रिटेन की अन्य सुरक्षा सेवाओं की प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करता देश के मूल में निहित आपत्तियों के विपरीत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो देश का मूल है इसमें जो इसकी आपत्ति है इसके मूल में निहित इसके विपरीत है। इसके बजाय वे साक्ष्य आधारित खतरे की धारणा और कठिन साइबर सुरक्षा मानकों को अपनाने पर जोर देती है। देखिए यहाँ पर अगर अमेरिका को शक है तो वह देश का जो हित हो रहा है उससे व्यापार करके जो देश को फायदा हो रहा है, तो शक के आधार पर अगर इनके ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाया जाता है तो हो सकता है देश को खतरा हो सकता है, और अगर आपके पास प्रूफ है तो यहाँ पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, तो इनके द्वारा इस पर जोर दिया जा रहा है। एक अन्य सिफारिश मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिए दूर संचार उपकरणों की अपनी सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए है। बहस जारी है, तो बहस अभी जारी चल रही है किस तरह से चीजें हो रही हैं। अगर प्रूफ वगैरह मिलते हैं तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर नहीं मिलते तो फिर क्यों नुकसान कर रहे हैं आप, व्यापार अच्छा खासा चल रहा है, फिर आप प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों ही कंसर्न सही है कि व्यापार भी ना बिगड़े और देश की सुरक्षा भी बनी रहे, तो दोनों को साथ साथ लेके चलने की आवश्यकता है। तो यह कंप्लीट आर्टिकल था, आपको इसके बारे में आइडिया लग चुका होगा। तो यहाँ पर चलेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, और अब यहाँ पर जो बात की जा रही है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर नॉलेज और हर एक चीज के लिए यह इंपॉर्टेंट है। एक समझौता जिस पर जो अभी भी संभव है, ऐसा समझौता जो संभव है अभी भी, ठीक है, लेकिन एक मध्यस्थता की स्थिति और अयोध्या पर मध्यस्थता की प्रभाविकता पर स्पष्टता की आवश्यकता है। कि देखिए कोई भी मध्यस्थता करने के लिए एक तीन लोगों की समिति बनाई गई है, ठीक है, जो कि हमने अभी 2 दिन पहले देखा था, शायद शनिवार को देखा था या फिर हमने शुक्रवार को देखा था, तो आपको उसको डिटेल में बताया गया था कौन कौन लोग हैं उसमें, अभी नाम भी आएंगे आगे, ठीक है। तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए जो भी मध्यस्थता चल रही है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। 1 साल पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिए गए खुले पत्र में श्री श्री रविशंकर ने कहा था, देखिए मध्यस्थता के लिए 3 लोगों को चुना गया, उसमें एक कौन थे, ये पर्सन श्री श्री रविशंकर थे, ठीक है, तो यह भी है उसमें। तो अब इन सब लोगों को चुना गया, अब बात ये कही जा रही है कि मध्यस्थता का रास्ता कैसे निकल रहा है, क्योंकि तो जरूरी है, मध्यस्थता का रास्ता अगर नहीं निकलेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पर भी प्रॉब्लम होगी आगे लोगों को। तो अच्छी बात यही है कि जो राम मंदिर है या फिर अयोध्या मामला मंदिर है तो उसको मध्य रास्ते से निकाल लिया जाए तो ही अच्छा है। तो इसमें फिर क्या हुआ था, कंसर्न निकला था 7 साल पहले कुछ हुआ था इसमें, जैसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है इनको दिए गए एक पत्र में इनने क्या कहा था रविशंकर ने, कि अदालत के फैसले का पालन करने वाले दोनों समुदाय के लोग इस मुद्दे को हार की उपस्थिति में ले जा रहे हैं। इनकी अदालत अगर किसी एक पक्ष में जाता है या फिर दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिलता है यहाँ पर, तो कहा जाता है कि यहाँ पर दोनों ही पक्षों की हार हो रही है, किसी न किसी पक्ष की हार हो रही है, तो इस स्थिति में ले जा रहा है। सबसे अच्छा समाधान इसलिए एक आउट ऑफ द कोर्ट समझौता है, तो इनने कहा था अच्छा समाधान करते हैं हम, अगर कोर्ट का कोई फैसला आ रहा है आपको कुछ जमीन दे दी जाएगी हमें कुछ जमीन दे दी जाएगी, तो इसमें दोनों ही पक्ष ये सोचेंगे कि किसी न किसी पक्ष की हार हुई है, तो इससे अच्छा रास्ता ये है कि हम कोर्ट के बाहर ही यहाँ पर कोई समझौता कर लेते हैं जिसमें मुस्लिम निकाय आगे आते हैं और हिंदुओं को 1 एकड़ जमीन उपहार में देते हैं। उसके जो बात क्या हुआ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे ये आगे आए, उनने कहा कि हम हिंदुओं को 1 एकड़ जमीन उपहार में दे देते हैं जिसके बदले में वह मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन गिफ्ट करेंगे, एक बेहतर मस्जिद का निर्माण करेंगे, ठीक है।
तो यह 5 एकड़ जमीन देंगे इन्हें और यह 1 एकड़ जमीन उपहार में दें, ठीक है, बदले में, तो जिस पर यह मस्जिद बना सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुसलमानों से यहां तक कहा कि विवादित संपत्ति पर अपना दावा छोड़ देने से बाबरी मस्जिद या एक विशेष संगठन को ध्वस्त करने वाले लोगों को इस भूमि को सौंपने की राशि नहीं थी। इसके विपरीत वे इस भारत के लोगों को सौंप रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास राशि नहीं थी उस टाइम पर इन सब मामलों के लिए, इसलिए भारत के लोगों को इनने सौंप आई है, यह बात उस टाइम पर निकल के आई। अब बात क्या की जा रही है, मध्यस्थता की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। हिंदू समूह ने एक समझौता निपटान का विरोध करने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि मध्यस्थता का द्वारा विवाद को निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सही बात है, अगर बीच का रास्ता कोई निकलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। इसने नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC की धारा 79 को लागू करने अपनी आपत्तियों को खारिज कर दिया, जो अदालत को गैर सहायक समाधान प्रक्रियाओं के 4 तरीकों में से किसी एक को किसी भी विवाद का उल्लेख करने के लिए अनुमति देता है। तो देख सकते हैं किस तरह से इसको खारिज किया गया है, जो कि यहाँ पर इसके जो 4 तरीके हैं इनको किसी भी विवाद का उल्लेख करने के लिए अनुमति देता है। अर्थात मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक निपटान, लोक अदालत या निपटान सहित, या मध्यस्थता। इस मामले में अदालत ने मध्यस्थता का विकल्प चुना है। तो 4 जो विकल्प थे इसके तहत, उनमें से ने मध्यस्थता का विकल्प चुना है। अफकोन्स ने बुनियादी ढांचे और ORS में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के फैसले के आधार पर इसका फिर से विरोध किया है। देखिए, फिर जो 2 न्यायाधीश हैं उनने इसका फिर से विरोध कर दिया, तो इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। चेरियन वेर के कंस्ट्रक्शन एंड ORS 2010, इसने स्पष्ट रूप से समझाया है कि मध्यस्थता एक प्रतिनिधि मुकदमे में नहीं की जा सकती है, जिसमें सार्वजनिक हित या बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों का हित शामिल हो जिनका अदालत में प्रतिनिधित्व तो नहीं है। तो इनके द्वारा यह कहा गया कि अदालत में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा मध्यस्थता की जा रही है, तो ऐसे में लोगों का हित नहीं हो पाएगा। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई की अगुवाई वाली जो 5 जजों की पीठ थी ने मतभेद किया है, यह भी इनके द्वारा कहा जा रहा है। आदेश 1 नियम 8 CPC और ORS 13 नियम 3B के प्रावधानों का हवाला देते हुए ने कहा कि मध्यस्थता के संदर्भ में कोई कानूनी बाधा नहीं थी। क्या उक्त CPC प्रावधान घटना पक्ष में लागू हो गए या नहीं, मध्यस्थता कार्रवाई से निपटारे के बाद में फैसले किया जाना खुला छोड़ दिया गया है। तो देखिए, अब मध्यस्थता पर ही बात यहाँ पर रुकी है और आशा यही है कि अच्छा कोई सा फैसला निकल गया है सबके द्वारा, जिससे कि दोनों ही जो दल हैं उनको नुकसान फायदा ना हो। क्योंकि देखिए, बात यह है कि अगर कोई भी फैसला निकल के आता है, या हिंदुओं के पक्ष में जाता है या मुसलमानों के पक्ष में जाता है, तो दोनों ही स्थिति में क्या हो सकता है, अगर किसी एक के पक्ष में गया तो हो सकता है दंगे भी हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। तो बात वही की जाती है कि दोनों पक्ष को फायदा हो, ना कि एक को फायदा हो, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर देखकर चलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या बात निकल के आती है। कुछ पॉइंट और दिए गए तो आप PDF से पढ़ सकते हैं, PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट लिंक भी दी जाती है, तो दोनों में से कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड विद इन अ कंट्री, बात क्या की जा रही है, इलेक्शन की बात आ रही है। तो पहला जो आर्टिकल था वह हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, बात क्या की जाती है। तो इंडिया में आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी यह जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वह है वैसी कंट्री है इंडिया, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र कंट्री है इंडिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा 36, अगर देशों को देख लिया जाए, 36 लोकतांत्रिक देशों को देख लिया जाए, तो इन सबको मिला दिया जाए तब जाकर एक इंडिया के बराबर लोकतांत्रिक देश बनते हैं यह सब। तो आप देख सकते हैं यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 36 देश, देखिए मध्य प्रदेश में जितनी जनसंख्या है, जितनी जितने लोग वोट करते हैं उतने लोग इजिप्ट में करते हैं, ठीक है, ब्राजील में जितने लोग वोट डालते हैं उतने तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश अकेले में डालते हैं, जितने यहाँ फ्रांस में वोट डालते हैं उतने हमारे यहाँ पर सिर्फ राजस्थान में वोट डालते हैं, जितने यहाँ थाईलैंड में वोट डालते हैं उतने हमारे गुजरात में, जितने मैक्सिको में वोट डालते हैं उतने हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में वोट डालते हैं।
तो 36 ऐसे देश दिखाए गए हैं जहां पर वोटिंग की जाती है और इंडिया अकेले में उतनी वोटिंग की जाती है। लगभग यहाँ पर बात की जा रही है लगभग 90 करोड़ लोग 2019 के जो चुनाव आने वाले अभी अप्रैल मई में उसमें वोट डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अब वहां पर ग्राफ देखेंगे आप तो किस तरह से यह ग्राफ सीधा सीधा जो देश आजाद हुआ 1952 से यहाँ पर किस तरह से यह ग्राफ बढ़ता ही गया और आज के समय में 90 करोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पर बढ़ा, जो कि जिसका अगर एवरेज निकाला जाए तो 11%, 11.2% हर साल एवरेज यहाँ पर बढ़ा है कब से, 1952 से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 लोगों में से 52 लोग तो पुरुष हैं और 48 महिलाएं हैं। तो अगर यह प्रोपोर्शन देखें आप तो यह भी लगभग बराबर ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन दो दो यहाँ पर 4% का अगर गैप भी है तो इसको भी आगे जाकर हम इक्वल भी कर लेंगे, यह एक अच्छी चीज है। इसी के साथ अगर आप देखें तो 2009 से 2014 के बीच में जो साइज बढ़ा है, जो वोटर्स का साइज बढ़ा है इलेक्टोरेट का, वह कितना हुआ है, 16.3% बढ़ा है, ठीक है, जो हाईएस्ट अमाउंट आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे आज 66.4% तक यहाँ पर रहा 2014 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इतने प्रतिशत तक इलेक्टोरेट रहा, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे 90 करोड़ होने जा रहा है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले ग्राफ में, जब से ये जो जो फीस वगैरह बढ़ी है, जो अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपको एक पैसे लगाने पड़ते हैं, कैंडिडेट को पैसे रखने पड़ते हैं, फिर क्या उसको बोलते हैं हम ना, फिक्स डिपॉजिट बोलते थे उसमें, सिक्योरिटी मनी, तो उसे रखना पड़ता है, जो 500 से 10,000 तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तब से जो महिला कैंडिडेट है उनकी संख्या भी आप यहाँ पर देखेंगे 1952 से आज के समय में बढ़ रही है। तो महिलाएं भी इक्वल तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। यह हमारा कंप्लीट आर्टिकल डिस्कशन था। इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल एक और बचा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फैसला आया है, जो कि 10% अभी आरक्षण दिया जाना था जो कि जनरल क्लास जनरल कोटा वालों को था, उस पर यहाँ पर सुनवाई की जाएगी 28 मार्च को। क्यों की जाएगी, इसका रीजन देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो मूल संविधान है, मूल संरचना है, उसमें 50% आरक्षण की बात की गई है, और अगर 10% और दिया जाता है तो टोटल आरक्षण 60% हो जाएगा, तो इसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। साथ ही जो अनुच्छेद 15 और 16 है इसमें संशोधित किया गया है कि किस तरह से यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं इन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा। तो इन सबको अगर आप देखा जाए तो इस सब का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारा बुनियादी ढांचा है संविधान का, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस जो 113वें संशोधन के तहत जो अधिनियम आया था, इसके तहत जो 10% आरक्षण दिया गया था, अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। हमारे पास दो आर्टिकल बचे हैं, सोच रहे हैं इसको कल डिस्कस कर ले, थोड़ा सा आज ऐसे ही है मूड भी, तो हम इन दोनों को कल डिस्कस कर लेंगे, छोटे छोटे हैं वैसे, बड़े नहीं है, तो कल आर्टिकल भी कम आते हैं तो कल डिस्कस कर लेंगे। तो यह था हमारा कंप्लीट डिस्कशन, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।